हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक वीडियो की और शुरुआत करते हैं। और कल का ब्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा कि लोकल ड्यूटी थी और आज भी लोकल ही है, मतलब 11 बजे का है आज भी, और कल तो 12 बजे का था ड्यूटी और आज तो मिल गया सुबह सुबह। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है और बने रहिएगा इस वीडियो में। और आप लोगों को मैं बता दूँ, आज भी T2 से ही पिकअप है मेरा, तो चलते हैं ड्यूटी करते हैं और बताते हैं आपको कहाँ कहाँ जाना है। और पहले डिटेल्स आती है लेकिन बट पिकअप करने का आता है मुझे। और आउट स्टेशन जाते हैं ना, तो आउट स्टेशन का आ जाता है कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ तक ट्रेवलिंग है। बट लोकल में भाई बस पिक करने का एड्रेस आता है और कहाँ ड्रॉप करना है वो पता नहीं होता है, कितने घंटे होगा वो भी नहीं पता होता है। 8-80 बोला जाता है लेकिन बट कुछ हो जाता है समथिंग 10-12 घंटे तो बोल भी नहीं सकते। और अभी मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ T2 का, आप लोगों ने देखा होगा जो मुंबई में रहते हैं। तो चलो बने रहिए, लेट्स गो। इस तो ये देख सकते हो आप, ये T2 का नज़ारा है और ये राइट में आप देख सकते हो T2 का प्लेटफॉर्म। देखो सामने दिख रहा होगा आपको, तो दिख रहा होगा। और चलिए हम आपको दिखाते हैं सामने से। और इस पर 60 का स्पीड है इस रोड पर। लोग पहले कैसा ना भगाते थे खूब, और जो भगाने वाले वो भगाते ही है लेकिन बट भाई जो रूल्स है 60 का स्पीड। और देखो मैं 60 पे ही चल रहा हूँ फिलहाल में, और 60 के ऊपर जाओगे तो फाइन भी है 2000 रुपये तत्काल। और आजकल तो ऑनलाइन हो गया है तो आपके गाड़ी पे तो ऑनलाइन तुरंत आ जाता है भाई, जैसे ही आप 60 की स्पीड में गए ना वैसे ही आ जाता है। और भाई तो गाड़ी जो चलाते हैं ना उनको बोलने वाला हूँ मैं कि थोड़ा संभल के चलाओ, क्योंकि जितनी सैलरी नहीं उतनी आप फाइन भर दोगे तो क्या मतलब है गाड़ी चला के, ठीक है। और ये रहा, देखो आप दिखा देता हूँ आपको, ये रहा T2 का प्लेटफॉर्म। और यहाँ मेट्रो का भी काम चालू है अंडरग्राउंड। और ये सामने है जो कि आप लोगों ने कई वीडियो में देखा होगा, दफा मुझे पता भी है कि लोग जो ब्लॉग देखते हैं ना उनको पता ही होगा कि T2 कैसा एयरपोर्ट है। मतलब यार भाई साहब वो देख रहे हो ना, एकदम बहुत अच्छा लगता है रात के टाइम में, लाइटिंग के टाइम में। और ये नीचे उतरने का और ऊपर ड्रॉप करने का, और इधर से नीचे जाएंगे पिक करने के लिए। पिक करने के लिए हमें P5 P6 जो ऐसा VIP गेस्ट रहते तो VIP पार्किंग में जाना पड़ता है, ठीक है, जो जहाँ बुलाते हैं वहाँ जाते हैं। एक्चुअली में P6 में ही जाना बेटर रहता है क्योंकि सामने से निकलते हैं और सामने से पिक कर लेते हैं। और ये देखो ये पार्किंग का बना हुआ है, अब सामने चलेंगे वो चेकिंग करेगा डिग्गी उग्गी, फिर उसके बाद निकल जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे पिक करने के बाद कहाँ जाएंगे अगर टाइम मिलेगा तो, लेट्स गो। ये गाइस तो अभी एयरपोर्ट से ना मैं सीधे वर्ली आ गया, और मुझे डेस्टिनेशन नहीं पता था, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं सीधे डायरेक्ट एयरपोर्ट आ गया और मुझे लगे 20 मिनट। और आपको मैं दिखाता हूँ कौन से बिल्डिंग में आया हूँ। वर्ली एकदम सीधे सामने यहाँ से ना समुद्र पूरा खाड़े दिखता है, और सीधे आपको मैं दिखाता हूँ कौन से बिल्डिंग में आया हूँ। अभी पार्किंग में लगा दिया हूँ मैंने गाड़ी और सीधे यहाँ से 5 बजे निकलना है, बांद्रा जाना है, मैडम ने बताया मुझे। और आपको पहले बिल्डिंग दिखा देते हैं भाई। तो ये देखो पार्किंग लगा दी गाड़ी यहाँ पे, और एक गाड़ी वहाँ पे लगी हुई है जो टी परमिट आई हुई है, और एक ये है। और इस बिल्डिंग में रुके हैं भाई, देखो कितना महले की बिल्डिंग है, सामने देख रहे हो। और इस बिल्डिंग में वॉचमैन बता रहे थे C8 के जो मालिक है ना, C8 टायर के जो मालिक है ना इसी बिल्डिंग में, उनका 2 फ्लोर है, मतलब 240 करोड़ का बता रहे थे वो। और ये बैक साइड का बिल्डिंग के आगे का उधर है, और वो गाड़ी वहाँ पे खड़ी है। तो बने रही है इस ब्लॉग में भाई, देख रहे हो एकदम मीटर बहुत अच्छा है, और इधर देखो गाड़ी भाई। चलो बने रहो इस ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे। ये देखो मैंने बोला ना खाड़ी दिख रहा है सामने, देखो वो पानी, जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो सामने ही है। और ये इस साइड में जाओगे ना राइट में बोरीवली, और इधर लेफ्ट में सीधे अंबानी के घर पे पहुंच जाओगे। देखो यहाँ पार्किंग है, और ये सामने BMW खड़ी है भाई। और ये रहा बिल्डिंग का कुछ नज़ारा, इधर से भी दिखा देता हूँ आपको। चलो बने रहो, मिलते हैं आपसे, लेट्स गो। भाई साहब तो अभी निकल चुका हूँ मैं बांद्रा के लिए, आप लोगों को बता दूँ मैडम दूसरी गाड़ी में गई। और ये देखिए अंबानी के लड़की का घर, पीरामल वाले का, वह व्हाइट वाला दिख रहा है ना, 600 करोड़ लगा है भाई 2 जन को रहने के लिए। वर्ली सेफ इस पे ही है, ये देख सकते हो आप, ये सिग्नल पे आओगे ना तो सामने उसके राधा कृष्णा करके लिखा हुआ है उस पे। और आप हमें यू टर्न लेना है और सीधे वर्ली सीलिंग से नीचे उतर के बांद्रा जाना है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे बांद्रा पहुँच के। भाई ये देखो अभी घूम गया मैं बोरीवली के साइड में, बांद्रा जिधर जाना है, और इस बिल्डिंग में आया था सामने देख सकते हो। और चलिए आगे सीलिंग का व्यूज दिखाते हैं आपको हम, बने रहिए इस वीडियो में।
भाई ये रहा सीलिंग, तो नजारे उठाइए आप लोग, बने रहिए इस वीडियो में और नजारे उठाइए सीलिंग का। तो चलिए ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? भाई तो अभी जाके छुट्टी हुई है 10 बजे और अभी मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हूँ, आप देख सकते हो। और यही ड्यूटी अभी कल भी चलेगी मेरी, तो लोकल ही ड्यूटी, चलो 2 दिन का हो गया मेरा टाइम पास समझो। चलो बने रहो इस ब्लॉग में, इसको एंड करेंगे कल भाई, क्योंकि कल भी ड्यूटी है ना, कल किधर जाने वाले किधर नहीं, तो इसको भी दिखाना जरूरी है। आज तो बस बांद्रा ताज लैंडस्लाइड होटल में छोड़ा और सीधे अभी गाड़ी पार्किंग ऑफिस के इधर, और मैं पहुंचने वाला हूं। ये वीडियो देख के तो पता ही चल गया होगा मैं किधर पहुंचा हूं, तो बने रहिए इस वीडियो में, मिलते हैं आपको कल। हाय गाइस, तो अभी आप लोगों को पता ही होगा कि कल मैंने एक ड्यूटी की थी रात को, और आप लोगों को बताया था कि मैं कल भी करूंगा, मतलब 2 दिन की लोकल ड्यूटी खत्म होने के बाद। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने का समय आ गया, क्योंकि 2 दिन ड्यूटी चली है। और अभी मिलेंगे हम आपको लोनावाला ट्रिप पे, और घर के मामा मामा आ रहे हैं, तो मतलब लोनावाला ट्रिप पे जाएंगे, और तो अभी उस ब्लॉग में मिलेंगे हम आपको 3 दिन लोनावाला ब्लॉग में, तो 13, 14, 15, तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में आने वाले लोनावाला। आप लोगों ने लोनावाला का ब्लॉग देखा होगा, बट फिर वापस मिला है तो कुछ नया देखने को मिलेगा पॉइंट्स वाइंट्स। और बट चैनल पे नए हो चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि जो वीडियो डालूं मैं पहले आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक आप लोग बने रहिएगा, ढेर सारा प्यार दे दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।